प्रदेश में सरकार द्वारा लोगों का निशुल्क कोरोना रोधी टीकाकरण जारी है। फतेहाबाद जिले के सामान्य अस्पताल में सरकार द्वारा निशुल्क एहतियाती खुराक लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत ने कहा कि हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत लोगों को घर घर जाकर बूस्टर डोज लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड में प्रतिदिन लोग एहतियाती खुराक लगवाने के लिए आ रहे हैं। हम भी जागरूक कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पर बूस्टर डोज के प्रति जो लोगों का थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा अभी कम नहीं है, और मोटिवेशन और थोड़ी देर जुड़ता है जो कि हम कर रहे हैं लगातार। हमारे टीम घर पर भी जा रही है, घर घर हर घर दस्तक प्रोग्राम भी चला रखा है, तो लोग आ रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। कोरोना की कोविशील्ड को वैक्सीन लगा रहे हैं, लोगों को बूस्टर डोज लगानी चाहिए, तीसरी डोज भी लगनी शुरू हो गई है और ये लगानी बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीन इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और इससे बीमारी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बूस्टर डोज लगवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने का उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ और इस निशुल्क सुविधा के लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। वैक्सीन लगवानी तो बहुत जरूरी है, वैक्सीन से तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, वैक्सीन से कोरोना नहीं लगेगा, सभी शरीर में से कोई दिक्कत नहीं आती वैक्सीन लगाने से। दो डोज का बस है, मैंने तीसरी भी लगवाई है, इसमें कोई खर्चा नहीं है और कोई इसके पैसे नहीं लगते, ना कोई दर्द होता है सर, इससे आदमी बीमारियों से बचा रहता है। मैंने तीसरी बूस्टर डोज लगवा ली है, बढ़िया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं दूसरों को कहना चाहूँगा कि ये तीसरी डोज लगवा लें,